मैथ मैजिक, हम लोग मैप देख रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन टाउन, हियर इज अ सम टाउन्स जस्ट लाइक दिस नेम इज वेरी फनी, इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर एंड छोलाघाट, वेरी फनी नेम. एनीवे हियर इज अ स्केल इज 1 cm ऑन द पेपर, 1 cm ऑफ द पेपर इज इक्वल टू 10 km. हम लोगों ने कल निकाला था इडलीपुर टू बर्फीनगर. दिस ऑन द पेपर इडली नगर टू बर्फीनगर 5 cm ऑन द पेपर कितना था, इट इज द 5 cm यानी 5 cm ऑन द वेयर ऑन द पेपर. इन ऑन द ग्राउंड हियर इज स्केल इज 1 cm ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 km. 1 cm ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 km. सो इडलीपुर टू बर्फीनगर, इडलीपुर टू बर्फीनगर, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑन पेपर इज 5 cm, 5 cm. तो सो यू मल्टीप्लाई व्हाट डिस्टेंस, क्या है सर का नाम, इडलीपुर बर्फीनगर, सो यू 5 × 10 इज इक्वल टू व्हाट, 50 km. 5 × 10 इज इक्वल टू 50. एक के अंदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुकपुर थुकपगड़म मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर. मिडवे यानी बीच में, मिडवे क्या होगा, 5 cm, हाफ ऑफ 50 cm, 5 cm, 2.5. तो यू मार्क द टी, आप अपने बुक्स में इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच में इन द मिडिल ऑफ यानी 2.5 cm पे, 2.5 cm पे क्या मार्क करेंगे, व्हाट यू मार्क, टी फॉर थुकपगड़म. अब हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन, ए टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 km अवे फ्रॉम छोलाघाट एंड ढोकलाबाद. छोलाघाट एंड ढोकलाबाद, जस्ट वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जे फॉर इट. सी द मैप 6, मैप 6 को देखो, आपको एक और टाउन यस, द फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, ए टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 km अवे फ्रॉम बोथ, दोनों के साथ कितना दूर है, 35 km दोनों से है, छोलाघाट एंड ढोकलाबाद, छोलाघाट एंड ढोकला. वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जे फॉर इट. द फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मैप, आपको क्या करना होगा, यानी दोनों से दूरी क्या है, जस्ट आई आपके बुक्स में जो मैप है, जस्ट इट इज द इडलीपुर, दिख रहा है, हियर इज आई एम पॉइंटेड हियर बर्फीनगर, ओके, जस्ट कट
ढोकलाबाद नाउ हियर इज भेलपुर एंड सम राउंड इट Here is Cholaghat. अब आप क्या कर रहा है आपके स्कूल को क्वेश्चन नंबर फोर 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम Cholaghat यानी दिस पॉइंट जस्ट आई डार्क इट एंड ढोकलाबाद हियर इज ढोकलाबाद यानी बोथ 3.5 किलोमीटर 35 किलोमीटर अवे 35 किलोमीटर यानी यहां से 35 बोथ दोनों साइड से क्या है ये 35 किलोमीटर क्या है दूर है यानी 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Cholaghat टू ढोकलाबाद तो आप क्या करोगे यूज द स्केल स्केल यूज करेंगे और आप ड्रा करेंगे कि ढोकलाबाद से 3.5 आप आपने क्या निकाला है पहले बताइए मुझे रुकिए 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 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू टाउन्स भेलूपुर टू Cholaghat कितना है बेटा मेरी वॉइस क्लियर है किसी ने निकाला है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड या व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑन पेपर भेलपुर टू Cholaghat एनीवन किसी ने यस बेटा किसी ने निकाला है बेटा मेजर सर 30 किलोमीटर आए सर 30 सर 30 किलोमीटर आ रहा है सर किसका भेलूपुर टू Cholaghat यस सर भेलूपुर टू Cholaghat भेलूपुर टू Cholaghat 30 किलोमीटर यानी 3 सेंटीमीटर है ओके एंड भेलूपुर टू ढोकलाबाद कितना है बेटा सर भेलूपुर टू ढोकलाबाद सर 50 आ रहा है सर 50 टोटल ढोकलाबाद टू Cholaghat नो सर हां सर 50 किलोमीटर सर 50 किलोमीटर सर 50 किलोमीटर कहां से कहां बताओ सर Cholaghat से सर ढोकलाबाद तक 50 किलोमीटर ओके अब आपको 50 किलोमीटर नहीं होगा थोड़ा सा आप लोग डिफरेंट कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है 70 होगा बेटा आप मेजर करने में कहीं ना कहीं चूक रहे हो इसी के बीच में आएगा क्या ये आएगा क्या विच टाउन जलेबीपुर वन मिनट जस्ट आई मेजर इट आपका जे जो आ रहा है आप मेजर कीजिए मैंने देख लिया जलेबीपुर जस्ट ये जो डिस्टेंस है ये आप मेजर करने में चूक रहे हैं इसका थोड़ा मुझे बताएंगे स्केल पे कितना है जस्ट यूज द स्केल स्ट्रेट लाइन है भेलूपुर टू ढोकलाबाद बताओ तो थोड़ा भेलूपुर टू ढोकलाबाद कितना है ऑन द पेपर आप सीएम में बताओ बेटा 2.5 सेंटीमीटर 2.6 सेंटीमीटर 5 चलिए 2.5 और ये डिस्टेंस कितना हो रहा है वन होगा सर फाइव सर सर 0.5 0.5 हो रहा है नहीं बेटा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करूं एक ये नियर अबाउट वन हो जाएगा
दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपके बुक्स में, फिर से एक बार मेजर करके देखिए, जस्ट स्केल रखो उस पे, 1 cm है, हियर इज 2.5, आई एम राइट, यू आर राइट, 2.5, एंड हियर इज 1 cm, 1.0 होगा, आप मेजर कर लीजिए, ये कितनी दूरी हो गई, 3.5, ये हमारा जो पोर्शन हो गया 3.5 सेंटीमीटर, यानी इट मीन्स मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू व्हाट, 35 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ऑन द सर, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड तो हमारा 35 किलोमीटर है, यू मार्क द जलेबीपुर जे, दिस कहाँ लगाओगे आप अपने बुक्स में, दिस हियर आप मेजर करके देख लीजिए, और टोटल डिस्टेंस ढोकलाबाद टू छोला नगर छोला घाट इज 7 सेंटीमीटर, आप मेजर करके देखिएगा ध्यान से, यहाँ से सर कहाँ से मेजर करेंगे तो ये थ्री, इट इज द 3.5 होगा, यस सर, अंडरस्टूड, सो चेक इट राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मार्क द जे, हियर इज व्हाट, व्हाट यू मार्क इन द मिडिल, क्या किए हो, टी यस, थूक पगड़म, ओके थूक पगड़म, पगड़म वेरी नाइस नेम, यू हियर दिस टाइप ऑफ नेम एनी टाउन, नो सर इन आवर लोकलिटी, अपने लोकलिटी में कहीं है ऐसा नाम, सर जी सर, बलिया में या मऊ में, इडलीपुर, बर्फी, नो सर, नहीं ना, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलूपुर एंड छोलाघाट, यू कैन यूज ए थ्रेड, आपको क्या कर रहा है, भेलूपुर टू छोलाघाट, और किसका यूज करें, थ्रेड का, धागे का, जस्ट यू आप इस पे धागे रख लें और उस धागे को ओपन करेंगे तो दिस इज द स्ट्रेट हो जाएगा, वेरी इजी टू मेजर इट, नाउ मैप नंबर 7 पे आ रहे हैं हम लोग, असीज स्कूल, असी का स्कूल है, असीज स्कूल लुक लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, यूज द स्क्वायर टू फाइंड आउट, यूज द स्क्वायर टू फाइंड आउट, स्क्वायर हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहले असी का स्कूल स्केल है 2 cm इज इक्वल टू 5 मीटर, 1 box इज इक्वल टू 1 cm, मान लो होगा ही है, 1 box is, no no sir 2 cm, एक box कितने का है बेटा, देखो तो 2 cm, एक box, no sir 1.5 है, 1 box, चलो measure कर लेना, here is the option, sir, see the map, सेंटीमीटर 7, ऑफिस, गार्डन, असेंबली ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, मेन गेट, हॉल, अब आज ये पूरे स्कूल का है, ऑन द टॉप व्यू, अब आपसे पूछा जा रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट द ऑफिस, ऑफिस का कितना, हाउ मेनी बॉक्सेस इज द ऑफिस, कितने बॉक्स में है ऑफिस, आई थिंक 3, काउंट 3, एंड आपसे पूछा क्या जा रहा है, असेंबली ग्राउंड, सी द असेंबली ग्राउंड सर 5 times बिगर, 5 times, व्हाई, देखो बिकॉज द असेंबली ग्राउंड इज 1, 2, 3, 4, 5, 3 is 15 box, हमारा 15, हम स्क्वायर ले रहे हैं 15 square, ऑफिस इज ए 3 square cm एंड ग्राउंड इज ए 15 square असेंबली ग्राउंड, यस सर, दिस हाउ मेनी टाइम्स, 5 times मोर, 5, यू राइट इट 5 times मोर, कम द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम, अब हम क्लासरूम में आ जाएं, क्या है लेंथ 5 meter, विड्थ 5 meter, ग्राउंड पे हमें देखना है बेटा,
How much is the length and width of each classroom? Here is the scale is 2 cm is equal to 5 meter. 2 cm is equal to 5 meter. 5 meter. तो यहाँ क्लासरूम देखो तो कितने का है? 4 का है. 4 से कम है बेटा. क्या है? तो मेजर इट, थोड़ा मेजर करो तो इसे क्लासरूम को. ऑन द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल से मेजर कीजिए. क्या होगा लेंथ? कौन सा ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है कि विड्थ ज्यादा है? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन. लॉन नहीं पूछ रहा हूँ भाई, क्लासरूम का पूछ रहा हूँ मैं. यस, द ऑप्शन इज आई थिंक ए, लेंथ 5 मीटर एंड विड्थ है 4 मीटर. लेंथ इज 5 मीटर एंड विड्थ इज 4 मीटर. सीधा लेंथ क्या है? हियर इज 2 cm इज इक्वल टू 5 मीटर. 2 cm इज इक्वल टू 5 मीटर ऑन द ग्राउंड. द ऑप्शन इज मार्क द ए, लेंथ 5 मीटर विड्थ अबाउट. ऑल द क्लासरूम इन असीज स्कूल लुक लाइक दिस. सारे क्लासरूम ऐसे ही दिखते हैं देखो तो. यस सर. इट इज द क्लोजेस्ट मैप ऑफ, क्लोजेस्ट यानी नजदीक से लिया हुआ और जूम किया हुआ है अंदर का. द इनर साइड ऑफ क्लासरूम. ठीक है, देखिए तो इसमें क्या क्या है. लुक केयरफुली एंड आंसर. बहुत ही ध्यान से इस क्लासरूम को देखो. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द ब्लैक बोर्ड? कौन बताएगा? अपोजिट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, अलमीरा, विंडो, नोटिस बोर्ड एंड डिस्प्ले बोर्ड, व्हाट इज? डिस्प्ले बोर्ड. यस, डिस्प्ले बोर्ड, गुड. राइट, मार्क द डिस्प्ले बोर्ड. नाउ लुक एट द स्कूल मैप. आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए, विच ऑफ दिस इज एक्जेक्टली अपोजिट इज द ब्लैक बोर्ड. अपोजिट इज द ब्लैक बोर्ड. तो सीधा 80 क्लासरूम, पहले तो 80 का क्लासरूम देखो. यानी साम अपोजिट, विपरीत दिशा में. डिस्प्ले बोर्ड. डिस्प्ले बोर्ड, हियर इज द राइट डिस्प्ले बोर्ड. वन डिस्प्ले बोर्ड इज यू सी द, यू राइट डिस्प्ले बोर्ड. अलमीरा इज ए. सर कैसे हुआ? सर देखो अपोजिट साइड, या आप फ्रंट पे ही कहो, विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड. यानी ब्लैक बोर्ड के अपोजिट सामने देखो. तो ब्लैक बोर्ड के सामने क्या है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर बेंच है, उसके बाद स्टूडेंट चेयर एंड दिस वॉल्स डिस्प्ले बोर्ड है. यस सर. यू राइट ना. नोटिस बोर्ड है? नहीं. इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ ब्लैक बोर्ड. यस सर. एंड व्हाट इज दूसरा है आपके पास? विंडो. विंडो कोई है? नो सर. नो. अलमीरा. अलमीरा इज द कॉर्नर ऑफ दिस रूम. यस सर. नहीं है. नहीं है. द बेस्ट ऑप्शन इज डिस्प्ले बोर्ड. नाउ बी क्वेश्चंस. नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन. अब आप इस स्कूल मैप को अगेन एक बार फिर देखिए. गेस एंड मार्क वेयर यू डू दिस बी ब्लैक बोर्ड इन 3rd A and 7th. देखो तो ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा. पहले तो आप इस क्लासरूम को देख लीजिए. क्या क्या है इसमें? 2 विंडोज. Yes, sir. Mark one door in the classroom and one blackboard. Yes.
and in third one, the blackboard is and one almirah. In east. Yes. In east side. Blackboard in third A. Where? Third A पर ले आजाओ. East. Yes. East. Yes, yes, yes. East side. Yes. And seventh में? Where is seventh? Side is also in east. Seventh. Class seventh. Yes. Yes, beta. Class seventh. You got it, class seventh. Dikha. Sir, in west. In the west. Yes. सर एक बार और क्वेश्चन. हाँ एक बार और क्वेश्चन. ठीक है ठीक है ठीक है दे रहा हूँ. नाउ लुक एट द स्कूल मैप. स्कूल मैप पेज नंबर 124 पे है. ठीक है. गेस एंड मार्क. आपको गेस करना है, अनुमान करना है. एंड वेयर यू डू दिस ब्लैक बोर्ड इन थर्ड ए. हियर इज द फर्स्ट रूम. गार्डन के साइड से थर्ड जो ए है द फर्स्ट रूम. फर्स्ट रूम इज ए थर्ड ए है. अब आप सबसे पहले तो इस आशीष के इनर साइड क्लासरूम को देख लीजिए कि क्लासरूम में क्या क्या है. व्हाट इज टू विंडोज वन अलमीरा ब्लैक बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड एंड वन मेन बोर्ड एंड नोटिस बोर्ड. जो विंडो है वो नॉर्थ साइड में और जो डोर है वो नीचे साउथ है. तो उसके मिडिल में ही ब्लैक बोर्ड है, इसलिए ब्लैक बोर्ड वेस्ट साइड में है. क्लास यस 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 क्लास सेवेंथ में. यस ब्लैक बोर्ड इज वेयर. तो मार्क इट. सिर्फ आपको आपने इस बुक में मार्क करना है. अब आइए द सेकंड स्टार क्वेश्चंस. अलमीरा इन सिक्स ए फोर्थ ए. समझ ही नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है ना. पहले आप देखिए ध्यान से अस्वीकार क्लासरूम. All the classroom in Asiji school look like this. Sari class. South. Page number 125 पे. South. Question number 3 का A. Sir, main gate south. Third का A जो solve किया था बेटा. See the. दिखा. पहले ध्यान से देखो कि क्या क्या है उस room में. उसके बाद आप map पे आइए. ब्लैकबोर्ड और टू विंडो अलमीरा डिस्प्ले बोर्ड नोटिस बोर्ड और डोर. यस अब आ जाइए आप यहाँ सर्च आउट दिस मैप नंबर 127 में. थर्ड ए को देखिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इज क्लास थर्ड ए. इन गार्डन साइड द फर्स्ट रूम. यस यू इन द बरामदा. आप आ रहे हैं तो इन द लेफ्ट साइड ऑफ थर्ड ए एंड राइट साइड थर्ड बी है. अगर आप इन कर रहे हैं तो यस यस. तो थर्ड ए में आप सो बताइए कि ब्लैक बोर्ड में कहाँ होगा, किस वॉल पे होगा. विच वॉल किस वॉल पे होगा. ईस्ट ईस्ट. तो आप अगर ईस्ट और वेस्ट नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट यू मार्क इट इन द क्लास थर्ड ए. Here is the blackboard and notice board. जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप मार्क कर दीजिए. थर्ड ए में आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है what? Blackboard. You mark the जिस वॉल पे मार्क कर दीजिए. Here is the blackboard. Use the blackboard for B. B. And seventh. Where is class seventh? Hall के बीच. Sir hall. Yes yes. Sir hall के बीच में. हाँ चलिए इसमें आइए. इसमें ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा. कौन म्यूजिक बजा रहा है भाई. स्टॉप द म्यूजिक. यस तो मार्क. सर कहाँ पे मार्क करेंगे. आप मैप में ही मार्क कीजिए.
ओके तो सर साइन का अरे सेवन में साइन का लगाएंगे हाँ ठीक है अब आइए अलमीरा इन सिक्स एंड टेंथ अलमीरा कहाँ होगा जस्ट कॉर्नर ऑफ विंडो विंडो है उसके कॉर्नर पे है ये आपको मैं क्लू दे रहा हूँ अलमीरा इन सिक्स एंड टेंथ देखिए कि अलमीरा वेयर इज कॉर्नर में है मार्केट नोटिस बोर्ड इन फिफ्थ एंड सिक्स बी तो सर इसमें कहाँ मार्क लगाएंगे इसमें आप मार्क लगाना है 124 पे नोटिस बोर्ड रेड से मैप सेवन में लगाना है यस सर सुनाई नहीं दे रहा नोटिस बोर्ड रेड में है रेड में चलो रेड रेड से नहीं करना है आप सिर्फ यू राइट इट ब्लैक बोर्ड या नोटिस बोर्ड आप वाच करोगे मैप एट को ठीक है आपके पास दो आपके बुक्स में दो मैप्स है मैप एट है और मैप सेवन है मार्क करना है मैप सेवन में जो क्लास पूछा जा रहा है ठीक है आप यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे थर्ड स्टार क्वेश्चंस नोटिस बोर्ड इन फिफ्थ फिफ्थ में आ गए आप ठीक है पहले फिफ्थ में आइए Where is notice board? देखो तो just opposite side of window. Opposite side of window. तो here is window. Window कहाँ है देखो तो आप फिफ्थ में दिखा या साइड ऑफ डोर ये भी आप मार्क कर सकते हो तो उस वॉल पे आप क्या करोगे जहां पे आपका डोर है इन हो रहा है और आप रूम में वहीं पे क्या है साइड में नोटिस बोर्ड है तो आप नोटिस बोर्ड मार्क कर दोगे राइट एन इन क्लास फिफ्थ आपका विंडो कहाँ है देखो जब फ्रंट पे है ध्यान से देखोगे तो तुरंत समझ में आएगा फिर सिक्स बी में आइए वेयर इज सिक्स बी इज द लास्ट रूम तक अब आपको इसमें भी नोटिस बोर्ड मार्क करना है तो वेयर इज डोर इन बरामदा बरामदे में डोर है ना जस्ट मार्क तो लेफ्ट साइड ऑफ आप डोर से इन करोगे तो लेफ्ट साइड के वॉल पे क्या होगा उसी दीवाल पे जिस दीवाल पे आपका डोर है उसी दीवाल पे क्या है नोटिस बोर्ड है मैप एट में देखिए तो यू मार्क द अब आ जाइए लास्ट फोर्थ लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन टू लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन क्लास टू आपको इसमें मेजर करना होगा ब्लैक बोर्ड क्लास टू में आइए वेयर इज क्लास टू आपको दिख रहा है क्लास टू एनीवन क्लास टू है रो इन टू दिस क्वेश्चन इज वन मिनट यस क्वेश्चन नंबर फोर लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन टू सर फिफ्थ के लेफ्ट साइड में है फिफ्थ के लेफ्ट साइड में सर यस सर असेंबली ग्राउंड और प्लेग्राउंड के बीच में है थर्ड रो थर्ड रूम मुझे नहीं दिख रहा मेरे बुक्स में नहीं दिखा रहा है बेटा दो दो वन रूम वन है चलो नो सर दो वन दिया है एक सर आप असेंबली जो है ना बेटा ऐसा करते हैं कि असेंबली ग्राउंड से जो रूम है उसको हम टू मान लेते हैं ठीक है और वन को द अपोजिट साइड ऑफ टू जस्ट यानी प्ले ग्राउंड से वन को मान लेते हैं एंड दस असेंबली ग्राउंड क्लास टू लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन टू कहाँ आएगा
कितने रो हैं? हाउ मेनी रो इन स्टूडेंट्स बेंचेस? 1, 2, 3, 4, 5 रोज हैं. द मिडिल रोज जस्ट फ्रंट ऑफ द टीचर बेंच. टीचर्स के डेस्क के बाद मिडिल रो है. यू मार्क इट ब्लैक बोर्ड. वेयर इज ब्लैक बोर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा? वेस्ट में. वेस्ट में. जस्ट यू मार्क द पेंसिल्स. हाउ मेनी सीट इज? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स बेंचेस इन मिडिल रो. तो यू जस्ट ड्राइट इन सिक्स. एंड डिस्प्ले बोर्ड इन 1. लास्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए. थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ. पहले आ जाइए, पहले सिक्स पे आप. 1, 2, 3, 4, 5 पे. डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट. डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट. सर वेस्ट. वेस्ट. आप वेस्ट मत बोलिए बेटा. आप ही बताइए कि वेयर इज. इन फ्रंट ऑफ विंडो या डोर? इस पे आइए. डिस्प्ले बोर्ड. डिस्प्ले बोर्ड. यस. डिस्प्ले बोर्ड कहाँ है? इन्हें वन में ये पूछा जा रहा है. इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड. अपोजिट साइड. या आप ये भी कर सकते हो अपोजिट साइड ऑफ ब्लैक बोर्ड. आप ब्लैक बोर्ड इज क्लास वन. विच डायरेक्शन? अपोजिट. अपोजिट. यू राइट. तो मार्क इट. आप थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई. नोटिस बोर्ड इन फिफ्थ. फिफ्थ को ड्रा करो. तो नोटिस बोर्ड आप पहले मैप 8 में देखिए कि नोटिस बोर्ड किस वॉल पे है. वेयर? क्लासरूम में होते तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझते. एनीवे ईस्ट में. ईस्ट में. गुड. यस सर. राइट. आप डोर से एंटर कर रहे हो. इनको मैं ऐसे समझा रहा हूँ. रुको. आप डोर से क्लास दरवाजे से क्लासरूम में आए. किस दीवार पे नोटिस बोर्ड है? देखिए तो मैप 8 में आप इन कर रहे हो. तो विच साइड? लेफ्ट साइड. यस. लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड? सर लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. राइट साइड के वॉल पे क्या है? ब्लैक बोर्ड पे है. ब्लैक बोर्ड है. एंड राइट साइड के जस्ट अपोजिट साइड ऑफ विंडो. अपोजिट साइड ऑफ विंडो. आपके क्लासरूम में विंडो जब हम फिफ्थ में इन कर रहे हैं तो जस्ट इन फ्रंट ऑफ टू विंडोज. डोर के एकदम इन फ्रंट पे सामने दो विंडोज हैं. और उस विंडोज के अपोजिट क्या है? व्हाट इज दिस? नोटिस बोर्ड. अपोजिट वॉल पे. अपोजिट वॉल पे क्या है? नोटिस बोर्ड है. तो यू मार्क द जस्ट विंडो के बगल में आप नोटिस बोर्ड मार्क कर सकते हैं. इसी तरह से क्लास 6B है. वेयर इज 6B? 6B का डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक. अभी हम कहां जा रहे हैं? मीन करेंगे नोटिस बोर्ड हमारा कहां था? विच साइड? लेफ्ट साइड हमेशा रह रहा. सेम सिचुएशन. सारे क्लासरूम हमारे कैसे हैं? जस्ट लाइक मैप 8. तो मार्क इट. सी क्वेश्चन है. कैन ए चाइल्ड सिटिंग इन थर्ड ए सी द प्ले ग्राउंड? थोड़ा ये क्वेश्चन बताओ तुम लोग सोच के. थर्ड ए में एक बच्चा बैठा हुआ है, वो देख सकता है प्ले ग्राउंड? सर थर्ड ए कहाँ है? थर्ड ए द फर्स्ट रूम ऑफ गार्डन. असेंबली ग्राउंड एंड ग्रांड गार्डन के फर्स्ट रूम विंड थर्ड ए है. वेयर इज योर प्ले ग्राउंड? देख लो थोड़ा प्ले ग्राउंड भी. सर यस या नो? नो सर. नहीं ना? राइट. नो. कोई भी प्ले ग्राउंड इज अ जस्ट बरामदा आपका है, कैरिडोर है, उसके बाद थर्ड भी, सिक्स भी है, एंड देन प्ले ग्राउंड. थर्ड ए से कोई भी बच्चा प्ले ग्राउंड को नहीं देख सकता है. ठीक है? नो सर. तो आप लिख सकते हैं नो. ए चाइल्ड सिटिंग इन थर्ड ए कैनॉट सी द प्ले ग्राउंड. आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो. ए चाइल्ड सिटिंग इन
थर्ड ए कैनॉट सी द प्लेग्राउंड। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। मैथ मैजिक अब छोड़ रहा हूं बेटा, चैलेंज का कुछ रिवीजन किया जाए और उसमें कल चैलेंज ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? और एक टेस्ट लिया जाए आपका, क्यों कैसा रहेगा? यस सर। पहले रिवाइज कर लिया जाए दो तीन दिन जितना पढ़ा गया है, आगे नहीं पढ़ा जाएगा। यस सर। चैलेंज मैथमेटिक्स में पीछे ही हम रिवाइज करेंगे, बहुत सारे चीजें हैं कि फिर टाइम हम लोगों के पास है। और पेज नंबर 122 समझा देंगे। 122 चाहे मैजिक 120। यस 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 22 22 बेटा। Who is? 122 कौन है आप? देखो बेटा, यस 122 इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द इंडिया मैप, इंडिया मैप को देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट दैट इज क्रॉस टू रीच दिल्ली। कर्नाटक से अगर हम चल रहे हैं और दिल्ली जाना है तो कौन कौन से स्टेट को हम क्रॉस करेंगे? इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड रीच द दिल्ली। उसके बाद आइए जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, नॉर्थ ऑफ दिल्ली, दिल्ली से नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस, स्टेट्स डज इट क्रॉस, कौन कौन से स्टेट ही क्रॉस करेंगे? सर क्वेश्चन क्या बोल रहे? यस जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम द ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस?